नमस्कार, आप देख रहे हैं topchin.com और प्रदेश की पांच बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आरती जैन। शुरू करते हैं पहली खबर से। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना OPS और NPS का विकल्प चुनने का आज आखिरी मौका है। अभी तक 97% कर्मचारियों ने पेंशन योजना का विकल्प चुन लिया है। इस बार कोई भी विकल्प नहीं चुना तो NPS लागू हो जाएगा। और अगली खबर, प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। गर्मी के मौसम में बेमौसम बारिश आंधी तूफान का खतरा बना हुआ है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से ये खबर सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तेंदुपत्ता तोड़ रहे एक ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं अन्य 21 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। और अगली खबर सुकमा जिले से, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बीच पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां दो इनामी नक्सली मारे गए हैं। पहला नक्सली गोलापल्ली SOS कमांडर मड़कम एर्रा है, जिस पर 8 लाख का इनाम था। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी पोड़ियाम भीमे, जिस पर 3 लाख रुपए का इनाम था। दोनों को जवानों द्वारा ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि नक्सली अरनपुर की तरह बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। SP सुनील के नेतृत्व में नक्सलियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। और अगली खबर, छत्तीसगढ़ में ईडी के अफसरों ने शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापे के बाद 2000 करोड़ के शराब घोटाले का दावा किया है। इस बात को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने पहले भी बताया, जैसे जैसे चुनाव आएगा, ईडी IT स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में रहकर नए नए षड्यंत्र रचेंगे। और अगली खबर बलरामपुर जिले से, जहां वांड्रप नगर इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां चौकी प्रभारी विनोद पासवान ने सरेराह दो युवकों की जमकर पिटाई की। दरोगा जी ने इतना पीटा कि उन्हें लहूलुहान कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चौकी प्रभारी युवकों को कैसे थप्पड़ जड़ रहे हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।